अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारेब यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है ज़ारेब की मेहंदी का व्लॉग, और हमेशा की तरह आपकी बहन लेट हुई है, ना मुंह धोया है, ना खाना खाया है, ना मैंने, ना भाई ने, ना कजन ने, ना बहन ने, बस फटाफट से आए सलोन क्योंकि रेडी टाइम हमारा बहुत जल्दी का है और हमें फिर शूट के लिए आउटडोर शूट करेंगे, फिर हमें लोकेशन पर पहुंचना है, तो बस फटाफट से सलोन जाते हैं, रेडी होते हैं। ज़ारेब अभी तक सो रहे हैं, उनको भी उठाऊंगी क्योंकि अभी तक हमने माइयों की पोस्टिंग भी नहीं की है, और मेरे भाई ने व्लॉगिंग शुरू कर ली है। चैनल का नाम है भूल गया, मेरे भाई ने व्लॉगिंग शुरू कर ली और चैनल का नाम है अनस्क्रिप्टेड व्लॉग्स, तो वहां पर भी आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी जाना है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और व्लॉग देखना। ओके, दबाए अभी नहीं क्योंकि अभी सलोन जा रही है। सो दिस इज द सलोन राबिया अनम, और हम आए हैं राबिया अनम से आज रेडी होने, अल्लाह खैर करेगा। हम पहुंच गए हैं राबिया अनम, और सबसे मजे की बात ये है कि हमारी जो ब्राइड हैं, इन्होंने मुंह नहीं धोया, बस ये टिश्यू से इन्होंने साफ किया, उनको भी नहीं पता कि मुंह धोया है कि नहीं, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आपका मुंह, बट हम घर से मुंह धो के नहीं आए, तो अब देखते हैं कि बिना मुंह धोए कैसा होता है मेकअप इनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं गोपी बिलाव, यू व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, मेहंदी व्लॉग। और बहुत सारे मसले, तो भाई अभी शूट के लिए जा रहे हैं, समद भाई की टीम आ रही है और हम झूलों पे शूट करने जा रहे हैं। जरना पहुंच गई हैं, मैं लेट हो गया हूँ, लेट होने की बहुत सारी वजूहत थी, डायरेक्ट तैयार होके इसीलिए मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि पहले बहुत पैनिक मचा हुआ था। तो आज ग्रैंड इवेंट है मेहंदी का और सब आ रहे हैं, और मुझे, मैं पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। जरनाब को मैंने देखा नहीं है, अभी जाके देखते हैं। शूट पहले एक जगह पे, उसके बाद जो है दूसरी जगह जो है वो है सी व्यू। लेट्स सी दोनों जगह पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते उसके बाद वेन्यू पहुंचना है, पर वेन्यू पहुंचने से पहले वापस इलियास जाना है, वापस बाल फ्रेश होंगे, सब चीज़ होंगी और फिर मैं जाऊँगा वेन्यू पर। पहले हम चलते हैं यहाँ पर, शूट कमेंस करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, क्या सीन है, कुछ भी नहीं पता, अभी चल के सारी चीज़ें मालूम करते हैं। मेरे मियाँ जी आ गए, उनका मूड इज़ नॉट गुड, टीम भी आ गई है शूट की, सामान उठाएंगे। हर दफा आते हैं हम लोग, 10 मिनट है यहाँ पे, 10 मिनट वाले एक्सप्रेशन दे दे, हर दफा लेके आते हैं कुछ यूनिक। नीचे बिठा दे, हाँ कहाँ जा रहे लारे भाई, जहाँ पर शूट चल रहा है यहाँ से सीधा आएंगे सी व्यू, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सेटअप रेडी है, थोड़े से लेट हमेशा की तरह। ये मेरे भाई हैं, ये बीमार हो गए थे मगर सही हो गए हैं, उन्होंने बोला हमारी शादी तो बीमार हो जाता था, ये काम नहीं करना पड़ेगा, मगर हम इनको उठा के ले आए, उठ कर आया हुआ कसम से, भाई को लग गया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिला, लो हमारा केजीएफ गया। आज हम शूट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रंग बिरंगी शूट चल रहा है, और ब्राइड को अब जब तस्वीरें दिख रही है ना तो हल्की नहीं आ रही। जरनाब के कपड़ों का बहुत ज्यादा है वेट, हमें हो रहा है सीवी जाने के लिए भुखड़। माई हस्बैंड एंड आई आर गोइंग टू सी व्यू, अब हमारा यहाँ पर शूट हो गया है, अच्छा ही हुआ होगा इंशाल्लाह ताला, ऑल होप्स ऑन समद भाई, कुछ अच्छा ही निकाल के देंगे इंशाल्लाह अज़वजल, लेकिन योर गुल इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल इन दिस ड्रेस। ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ, मतलब पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही, मतलब हालांकि ये वाला ड्रेस मुझे बहुत कम्फर्टेबल था, लेकिन बस है एक मसला। She's very boogie man. इसने मेरी बात नहीं मानी, कैसे जाने? भाइयों अब आप लेट हो गए हैं, भाइयों लेट हो गए हैं, समझ गई गाड़ी कहाँ है, हम पहुँच गए, मुझे सब लगा मैंने बाहर ही नहीं देखा, पीछे से क्या सब कुटिया बनाई प्यारी, इतनी बड़ी कुटिया बनाई, मैं अभी वहाँ जाके सब देखता हूँ, अभी जो है ना टेंशन है, बस शूट हो जाए फिर आपके सारे काम देखता हूँ। तो जो है ना वो अब ऑल द वे आ गए सी व्यू नंगे पैर, पहले दिन में आए थे निकाह के टाइम, आज बारात के टाइम रात में आए, और ये सेटअप अच्छा कर दिया, मैं अपने डांस सारे भूल गया हूँ टेंशन, बस मुझे एक चीज़ याद है,
लाओ लाओ लाते रहो लाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लाते रहो लगाते रहो थोड़ा आगे की तभी लगाना करिए। अरे के पैर हो गए हैं, समझ से बाहर है, क्या करना है। मेरी बात सुने, एक मिनट, आप अभी पीछे बैठे हैं। हाँ? उसको गाड़ी चलाने दें, मैं आगे बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देखूंगी कि उसको आती है ही नहीं। शकरकंदी चेहरे के बगैर बोलूंगी गाइस, दुल्हन हो ना, शकरकंदी ले रहे हैं, भूख बहुत लगी है यार। ये है इतनी कम 50-50। मेरे नसीब में बहुत सारा ट्रैफिक लिखा हुआ और शारा फैसल अभी एकदम जैम पैक हुआ हुआ है। समझ से बाहर है कि हमें जहाँ जाना है वहाँ जाएँ कैसे। जरना वेन्यू पर है, रेडी हो गई हैं तकरीबन। शूट के बाद मुझे कुछ चेंजेस वगैरह कराने थे अपने, तो वो करा लिए मैंने, स्टाइलिंग वापस करा ली है और सब आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग पहुँच गए हैं। लेट्स गो। थोड़ी एनर्जी डाउन है, मैं घर वहाँ जाके चार्ज हो जाऊँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द वेन्यू, कैसा तैयार हुआ है, क्या हुआ है, क्या बना है, क्योंकि हमने बहुत कस्टमाइजेशन करे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स। ज्वेलरी हमने शूट और ज्वेलरी में करा लिया और यहाँ पर और ज्वेलरी पहन ली और लहंगा भी वहाँ पर भी सेट भी नहीं था सही, टाइम कम कम कर करके शूट करा लिया। अब यहाँ आके लहंगा सेट किया और अब अच्छा लग रहा है, ऑफ सीन हो गया बहुत। अब दुपट्टा सेटिंग के डिज़ाइन देख रही हूँ मैं, ये हाल है दुल्हन का। डांस हो रहा है यहाँ पर। एक मिनट क्या? नहीं तो भाभी देख रहा, ये भी कर रहा। दो स्टेप एक साथ नहीं कर सकते वो, या हाथ हिलेंगे या टांगे। पहले सब छोटा पाकिस्तान। नहीं मैं नहीं कर रहा। आंखें बंद करो, दोनों आंखें बंद करो। शाबाश, आजो 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 आजो। हाँ, 3-2-1 आंखें खोल लो। अरे भाई जान सुन, टूट गई मेरी निकल रहा, कोई निकल रहा भाई। ये पीछे पड़ता लूज है। हेलो, ओ अबे इतनी हाइप नहीं देनी, ये मेहंदी मेहंदी का टैग नहीं लगेगा इस पर, लगेगा जीन ने कुछ ऐसा किया, सर नाव रो पड़ी। कितना बदतमीज हो तुम, तो नहीं आ रहे थे फिर क्यों आए? सुबह आया हूँ 10 बजे। क्यों आए यार? मैं कसम टिकट का शाम को कर रही है, पता है? उर्दू में पनीर, इंग्लिश में चीज, ये है खबीस, ये चीज। देखा, सब कोई समझ आ जाती है। ये भाभी रो रही है यार, मेरी भाभी रो। अल्लाह, एंट्री कैसे करें हम दोनों? यार ये डिस्कस कर रहे हैं एंट्री। ठीक है अहमद, ऐसा तो गाइस आ गया वो लम्हा जिस लम्हे का आपको बेताबी से इंतजार था। सर ना You are looking too good, mashallah, mashallah. लेकिन ये होती है इनके पास चाबी, कैसी हैं भाभी? वाह 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 वाह! बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मेरा शेर का है, मेरा शेर का है। मर्दों पे शेर शादी का बंद हो जाता है। यार रुखसत ही नहीं हुई अभी। हो जाएगी भाईजान। भाभी को हमने स्पेशली बुलाया, भाभी आके जो है ना वो जनाब का दुपट्टा शुपट्टा सेट करते हैं, ताकि जो है ना वो हमें, समझ रहे हैं, यहाँ में भी स्क्रिप्ट खत्म हो गई। और हम लोग जो हैं लाहौर से आए, और उसकी आई थिंक खास वजह ये भी थी कि बहुत ज्यादा मामला एक जैसे हो रहे थे। हाँ जी, काफी ज्यादा हमने रिलेटिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये आगे निकल गए हैं। हर बंदे की होती है अपने घर की अपनी कहानियां, कैसी उदानियां कहाँ से लाते हैं आप? लारे दे रहा थे बदतमीज आदमी, इंग्लिश में लिवर और कलेजी, पोटा, कैसे हो परोटा? कैसे हैं आप? लव यू चिकन। कैसे हो भाई? 20 रुपए की नान है, सेक्सी अजलान है यार, इतना सेक्सी दूल्हा भैंस की टांग में अच्छी बात है, मतलब सर सेक्स सेक्सी एज़ फक, मतलब यूं करके सुपरमैन निकाल देना, मतलब सेक्सी एज़ फक, सस्ती डोनाल्ड डक। एक ओम समी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दोस्त दुबई से आ गया फाइनली, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू भाई जान, आई लव यू भाई जान। चलो एंट्री करें, मेरे को एंट्री लगी बस। अब मेरे इवेंट को नजर नहीं लगेगी क्योंकि नजर का टीका आ गया है। बटालियन आ गई है, सारी बटालियन आ गई है, लाहौर से आ गई, शीशा आ गई है पूरा। हां हां, शीशम गली, कैसे हो सेक्सी? चलो चलो चलो, लड़की वालों सालो, यहाँ पर आ गए, एंट्री होने वाली है। स्कूल द यूट्यूबर्स, द यूट्यूबर्स, द प्यारे हाजी साहब,
ओह माय गॉड कैसे हो अभी क्या छोटू छोटू भाई नहीं आया कैसे हो कोहली फुल हमारी डेंजरस एंट्री होने वाली है सीन ऑन चल रहा है सारे बॉयज मेरे साथ साथ चल रहे हैं आप लोग बैठे रहो एक तो स्वीटी के ड्रामे चल रहे हैं सबके ड्रामे चल रहे हैं आप बताएं देखा मैंने दूर से आपके इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे आवाज हम बहुत दूर से आ गया हम बिल्कुल ठीक हैं बहुत प्यारे 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 राजदारे तो आप ही नाती प्रमोशन करना शुरू कर दी कराची में मैंने देखा पैसा ही पैसा यू ये एंट्री हो रही है अच्छा एंट्री हो रही है बड़ी सी दबंग किस्म की एंट्री हो रही है लारिफ का ब्लॉग है क्या कहेंगे आप शादी मुबारक करें चल चला गया ना फिर भागेगा यहाँ से अच्छा सॉरी मैं भूल गया था कैमरा चलना अरे बदतमीज एक साथ आ गए कोई सुन नहीं रहा किसी की आठ कर लो बैठे हुए हैं मैगी नूडल हाउ आर यू मोमा जी कैसी हैं आप अपनी भूख नहीं लाई आप बगैर भूख के क्यों लाऊं मैं मेहंदी में आई हूं आप गोलगप्पे खाएं बनकर आप खाएं इसके बाद बहुत सारा खाना आपका वेट कर रहा है जिलानी साहिबा हाउ आर यू हमारी शादी है तो टैटू हो गया मैं जब भी आप लोग अच्छा लगता हूँ ना उसके पीछे एक आदमी का हाथ है ठीक है और मेरे सारे नखरे उठाते हैं मेरी अम्मी के पास जितने सबसे नखरे उठाए ना मेरे वो है ये इलियास भाई कैसे भाई जान सर आई लव यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कैसी हैं आप ठीक हैं हमारी बाकी टीम कहाँ है आ रही है हमारी बाकी टीम आ रही है आपने गोलगप्पे खाए भाई ने गोलगप्पे खा लिए खाना भी आ रहा है बोनलेस हांडी है गोला कबाब है मैं नहीं बता रहा बहुत सारी चीज़ें हैं इनको बच्चों ने मैंने बहुत तरावियाँ पढ़ाई हैं इसके बाद मैं बड़ा हो गया ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके भाई हैं ये मेरे इतने सारे बड़े दोस्त क्यों समझ में नहीं आ रहा मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त बड़े बुड्ढे हो गए हैं मैं जवान रह गया आज अम्मी फुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अम्मी ने फुल फूल पत्ते पौधे लगा के काला कलर पा के नजर कटी का साथ बिठा के अम्मी कदमों में बहुत महंगा हो गया चिकन और गोश्त मिला दूं आपको उनसे जो है मेरे बचपन के गोश्त ये रहे सारे हमारे बॉयज शानूर भाई ये सारे बुजुर्गाने दीन आए हैं सारे सर कैसे हैं आप ठीक हैं कैसे आप ये सब मेरे स्कूल के दोस्त हैं लगते मुझसे बहुत बड़े हैं पर खैर हो गई मैं यंग मैन रह गया हूँ अकेला सर कैसे आप लोग ठीक हैं लॉयर भाई कैसे हो ट्विन ब्रदर हाउ आर यू जब भी मैं बदतमीजी करता हूँ अम्मी बोल रही है क्यों मार रहे हो चवल कैसी हैं मेरी बचपन की दोस्त कवल हाउ आर यू मेरे मस्त मस्त दो नैन कैसे चौधरी जुलकर नैन हाय हाय जब भी जुलकर नैन मारता है चवल कान खींचती है भाभी हर गाने के लिए साज कैसे हो मास चीता पहनकर आ गए तो भाई साहब चीता चीता पहना हुआ है मास का खसूसी डांस है कहीं तभी आप लोग थोड़ी देर में देखोगे अस्सलाम वालेकुम
ठीक भाई आप बता भाभी मैं मिलवाता हूँ क्या हो रहा है क्या कर रहे हो? बहुत गर्मी भाई अभी नाश्ता वाला है गिरना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम क्या पूछना चाहेंगे आप पूछे हमसे ये हो रही है सारे की शादी आज है मेहंदी और बहुत मजा आ रहा है अल्लाह गुल और आज मेहंदी है आज मेहंदी है रे ये ही नहीं पता इसको बेचारा थोड़ा हो गया लेकिन बहुत मजा आ रहा है मजेदार शादी देख करेगा आगे भी बारात वलीमा सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं खाना खा के जाना खाना खा के जाना बन का शुरू हुआ जूते का लोगो आना चाहिए पैसा लगा हुआ छोटू वेलकम फ्रॉम द दुबई हाउ आर यू आप तो लड़की वाली थी ना जय ओ भाई ये अपने लड़की वाले को बुला लो जनाब पोजिंग चल रही मम्मा ये रोटी वाले पहले हाफ खा ले भाई देखो यार रोटी तो चलती रहेगी रोटी जब तक सेट हो रही है तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक परफॉर्मेंस कर लेते हैं उसके साथ साथ फिर हम रोटी खोल देंगे हमारे डांस परफॉर्मेंसेस जो भूल चुका हूँ वो अच्छे तरीके से हो जाए और सारे जिनके बच्चे हैं वो अपने फोन में पकड़ लें क्योंकि आपके बच्चों का हमें पता है कि फॉलोअर्स आ रहे हैं देखिए भाई मैं दूल्हा हूँ थोड़ी तो मेरी बात सुन लो वो दुल्हन दुल्हन का भी शूट चल रहा है दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं मम्मी पता नहीं किधर है क्या हो रहा है वहाँ वो बंदा बाप खा रहे हैं यहाँ ये व्लॉग बना रहे हैं मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है क्या हो रहा है यार जुल्कनैन भाई व्हाट इज ब्रो फिर बोल रहा हूँ अगर तू पूरी शादी में नहीं हुआ ना मार दूंगा जिंदा गाड़ दूंगा भूख लगी है भाभी खाने वाली टीम में ना ना मैं दोनों टीम में ओके खाएंगे भी और फिर दोबारा पाकिस्तान आया वरना मेरा कोई भी इरादा नहीं ये थोड़ी बोलेंगी बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी बताया कि कुछ भी बोलता
कुछ भी बोल लेकिन मैं नहीं अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और नजर से दूर रखे खुश रहे आप लोग बस क्या नाचा है तू नहीं अभी नाचूंगा तू मजीद नाचेगा अभी भाई मैंने ये हल्का सा पढ़ा लिखा था अच्छा अभी मैंने बोला थोड़ा सा कुछ कर यार शूट नहीं हो पा रहा है रजान भाई शूट नहीं हो पा रहा सर यार क्या नाचो फिर आप देखना फिर आपको मजा आया आई लव इट आई लव हमारे अंदर की तो वो जो रूह होती है ना वो नाच रही थी अंदर ही अंदर चच्चा उम्र देखो अपनी क्या बस क्या कर रहा अफगानी दाढ़ी वाले छोटा मतलब मैं क्या बोल रहा आउट ऑफ टाउन से लोग आए हैं माशाल्लाह से कैसी हैं आप ठीक है मैंने देखे मैं पहचाना ऐसा नहीं है मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ऑल द वे फ्लाई करके आएंगे सर थैंक यू सो मच आप आए इंशाल्लाह ताला जनाब इनका इवेंट होगा हमें जाना पड़ेगा ये बोल रही मैं इसलिए आई हूँ वरना टिकट के पैसे दो मैं अब एक इवेंट लाहौर में कराऊंगा इसे डेकोरेशन करवाएंगे लड़की वाले लड़के वाले आप लड़की वाले लड़के वाले लड़कियों की टीम बहुत बड़ी है भाई अच्छा मैं वही कर रही थी आपके आपके सारे काम मैं कर रहा हूँ अच्छी फोटो लेना भाई हाँ फुल ऑन देनी है नहीं है, एक साल हो गया रियल है यार ये यार जरा मतलब मेरे को मैं दिए 100 रे यार फटाफट वो भी साले अभी जेब में फट गया यार जेब में फट गया किसी ने रखा हमारा ख्याल हमें दिया रियल मतलब रियल में जाने का ये है कि इंशाल्लाह सुधे जाओगे सौदे की आ गई तब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ ही यूज करना मैं संभाल के रखूँगा बस संभाल के रखो तमाना स्टेट मैंने बोला ये क्यों दूँ यार बाद में फिर कराने पड़ेंगे है ना जाना तो है ना वहाँ पर ये तो देखे चीते को तो देखे नीचे देखे बस यार इधर आ जाओ पास वहाँ कहाँ चली गई लड़की जिसने बोला है खुशबू इधर होगा भी थोड़ा सा बुड्ढे पाउडर लगाने वाले कुछ कैंडिड दें कुछ कैंडिड हाँ मोबाइल में इस वाले में
अरे भाई इन मेहमान से मिले, छोटे मेहमान से। ये तो स्पेशल मेहमान है हमारी, माशाल्लाह। 260 ml तक ये फीडर भरती है। मुझसे नाराज है पर मैं भी सब करके जाऊंगा, और सिर्फ आज सिर्फ मेहंदी का फंक्शन है, बाकी सब मैं छोड़ूंगा। प्यारे राज जुलारे दोनों आ गए दुबई से फुल टकाटक टिकट करा के, और बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत 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 माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉयिंग लाइक अ फैमिली, थैंक यू सो मच इतना सबर करने के लिए। अभी हमारी पिक्चर रविया की रह गई है, और हुसैन ने जो डांस किया है तो वो भाइयों वाली कमी पूरी करी है, और ये मतलब रगड़ दिया था डांस को। जब आप लोग हमेशा हमारे साथ हर जगह पे खड़े हुए होते हो तो हमारा फर्ज बनता है, और फिर हम तो मेन हुए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 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 भाई। और मेरी छोटी बहन है भाई, है अंकल को मैंने बहुत मिस करा, मैंने बोला अंकल जो है ना वो कमी पूरी करते हैं, है एक कमी जो अंकल पूरी करते हैं। बिल्कुल ऐसी वेट करें, यहाँ देखिए भाई, बोलो यार हुसैन भाई हट जाओ। चलो भाई बहुत बहुत मुबारक हो सारे, बहुत अरे भाई मिल गया जी, जी सही है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, डन हो गया मेरा भाई। बस मेहनत है बहुत, जो सिर्फ हमें पता है, और सिर्फ ये बात है कि ये बहुत सच्चा है, और बहुत अल्लाह से कामयाब करे। आमीन 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 से मांगी। हाउ आर यू भाभी? थैंक यू, आप खसूसी आई हाजन, बच्चा जोड़ के आई हूँ मैं, सोचे। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, हाउ आर यू, व्हाट्सएप कैसे हो आप लोग, नए नए दूल्हा दुल्हन कैसे हो? कैसे आप? नए सर, अब हम पुराने हो गए। नहीं नहीं आप पुराने नए, बिल्कुल सर, लाइम लाइट में आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आप मिल तो ले हमसे। जब भी कोई करता है मैसेज सीन, कैसे हो बुजुर्गाने दीन, दिया है आपकी जिंदगी में आके उन्होंने कहर, कैसी है भाभी सहर? मैं ऐसे ही, मैं क्या सुनाऊं, मेरी आवाज़ इतनी गंदी, मैं गाता हूँ टाइले कांपती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? जितना आपने मुझे किया है ना तंग, बस ये जलेबी झंडा आपका दुपट्टा सेट करिए लाइबा। हेलो नूडल, हाउ आर यू? बड़े जमाने बाद बरात वलीमा लेफ्ट, हमारे वलीमे के पर्दे ऐसे हैं, ये जा रहे हैं सौतेली माँ। तुसी ना जाओ, इसे हमेशा लेट होता है हर फंक्शन पे, ये निकाह पे भी आई थी, हम स्टेज पे बैठे बोल रहे हैं डोंट गो डोंट गो, बोली नहीं इंग्लिश में बात करती है, बोल रही कि आई वांट टू गो, चल निकल सी। ए भाई ए भाई, मेरी जिंदगी में बहुत गम है, मेरे दोस्त मुझे मत दर्द दे। अली भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अली भाई, जुलकर नैन छोटी कमल, भाई जुलकर ये देखे, भाई जुलकर कैसे हो? ये मेरी ज्वेलरी चेक करिए कि कैसी पहनी है। मैंने घड़ी पहनी नहीं है, इधर आओ मेरा बेटा, मेरा टाइम मेरी अम्मी और धरनाथ से चलता है। नॉन यार हेलो, आईपैड में भी नहीं आ रहे पूरे। तो भाई ये सबकी विशेज आई हैं, और निकाह वाली लोग आज तक पूछते हैं किस किस की क्या क्या विशेज थी, तो हम एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाएंगे शादी के बाद किसने क्या विशेज हमें दी है।
भाई ब्लॉग जो है वो समाप्त होता है, सुबह हो गई है, पूरी रात से ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, एंड नहीं बनाया था क्योंकि दुल्हन साहिबा के कपड़े बहुत भारी थे और वाकई बहुत अनकंफर्टेबल थी वो, तो वो मैम चले गई और सो गई और मैं भी सो के उठ के इस तरह ब्लॉग एडिट कर रहा है। तो उम्मीद आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेहंदी का, अगर इसमें कोई भूल छू हो कुछ रह गया है तो जाके किसी और का देख लो, हमारा था मगर पूरा देखना, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, बहुत सारा प्यार बरसा दो। अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द पीपल जिन्होंने इतनी मेहनत करी, खास करके कराची फायर वर्क्स, हसीब थैंक यू सो मच ब्रो, इलियास भाई फीता बनाने के लिए थैंक यू, राजीव भाई कपड़े बनाने के लिए एज ऑलवेज, आदिल भाई ऑल द वे फ्रॉम लाहौर आए हमारे लिए इवेंट कवर करने के लिए, ज्यादा शिरकत करने की थैंक यू आदिल, थैंक यू वेडिंग्स बाय खुशनू, थैंक यू अब्दुल समद जिया, मैंने कुछ नहीं किया, अपना बहुत ख्याल रखें, लाली आउट, गुल आउट, मिलते हैं इंशाअल्लाह पे 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 बारात पे। अरे 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 भाई सबसे बड़ा थैंक यू कंट्री इनका जिन्होंने हमारी मायों और मेहंदी होस्ट करी, सो थैंक यू सो मच मेहरूबा से देवेंश, बहुत मजा आया एंड आपने इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी चांस इतनी डिटेल्स पे काम किया, वी आर ग्रेटफुल टू यू, आपने निकाह में भी चार चांद लगा दिए और इस शादी में भी लगा दिए, बिग थैंक यू टू यू एंड योर टीम, ओके द